यूपी में त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत उपचुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसके तहत 6 जून को नामांकन, 12 जून को मतदान और 14 जून को मतगणना की जाएगी, जिसको लेकर जिला पंचायती राज विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है। जिसके संबंध में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिले में ग्राम पंचायत सदस्यों के 4500 सीट, ग्राम प्रधान की 6 तथा बीडीसी सदस्यों के 5 सीट खाली है, जिसके लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर 6 जून को नामांकन, 12 जून को मतदान और 14 जून को मतगणना की जाएगी। उसके बाद असंगठित ग्राम पंचायत संगठित हो जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, गोरखपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्यों की लगभग 4500 सीटें रिक्त थी। इसके अलावा 5 जो है बीडीसी मेंबर की सीट जो है किसी वजह से, चाहे वो निधन हो गया हो या किसी और वजह से चुनाव वैध नहीं हुआ था, अवैध घोषित हो गया था 2 सीटों पर पिपरौली में, इस तरह से 5 बीडीसी मेंबर की और 6 प्रधान की, उनकी मृत्यु होने की वजह से 6 सीटें रिक्त हो गई थी। इस वजह से ग्राम पंचायतों में 433 ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाया था, सिर्फ 861 ग्राम पंचायतों का ही संगठन हुआ था। और इसी के मद्देनज़र चुनाव आयोग के द्वारा 12 तारीख को मतगणना के जो है उपचुनाव की मतगणना की घोषणा की गई है। 6 जून को नामांकन किया जाएगा, इसके बाद उसी दिन नाम वापस लेने का भी है। उस तरह से जो अंतिम प्रक्रिया के मुताबिक 12 जून को मतदान होगा और 14 जून को से मतगणना प्रारंभ होगी, और इसके बाद जो है कोई भी सीट पर वैकेंट नहीं रहेगा। और बाकी जो है जब शपथ हो जाएगा तो बाकी जितनी भी ग्राम पंचायत की जो असंगठित हैं वो सभी संगठित हो जाएंगे।